ओके तो गाइस स्वागत है आप सभी को मेरे भाई का सर्वाइवल लेट्स प्ले सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में। और गाइस अगर सच बात बोलूं तो भाई यहां पे आने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि देखो एक तरफ मेलन, एक तरफ पम्पकिन और एक तरफ मतलब एक तरफ नहीं बीच में बीटरूट का खेत है, जिससे ये मतलब सच में यार यहाँ पे बहुत हरियाली है। ओके तो भाई बातें तो होती रहेगी, बट फिलहाल के लिए चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे न्यूज चैनल गेमिंग, तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी पक्षपाती के। तो गाइस मैं ना बहुत दिनों से अंडरग्राउंड में रह रहा था, तो वहीं पे मैंने दो एनिमल पेंस बनाया भी था, बट कभी भी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, खाना भी नहीं खिलाया, तो इसकी वजह से भाई सारे के सारे एनिमल्स जो है वो मर चुके हैं। तो इसलिए मैं ना आज एक एनिमल पेन बनाऊंगा जहां मैं अपने घोड़ों, गायों और सुअरों को रखूंगा, ताकि वो लोग भी मजे से रह सके। तो जगह मैंने ये चूज करा है, बट उससे पहले मैं अपने चेस्ट वगैरह जो है वो रख दूं यहाँ पे, उसके बाद इसका ढांचा बनाऊंगा। और मैं इस एनिमल पेन को ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, बस सिंपल ही बनाऊंगा। ओके तो ये प्लैंक्स भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके तो इसका ढांचा बनाने के लिए ये जगह रुको रुको एक मिनट देख लूं। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एक दो तीन, फिर एक दो तीन ब्लॉक्स गैप, फिर एक दो तीन। ओके तो ये होगा हमारा एंट्रेंस। ओके तो गाइस इस एनिमल पेन का ढांचा जो है वो तैयार हो चुका है। भाई काम करते करते मेरे साथ एक बहुत ही गंदा सीन हो गया, बस एक इंपॉर्टेंट काम याद आया तो मैं गया उसे करने, और मैं भूल भी इसी सिलसिले में मैं भूल भी गया कि ये गेम भी मैंने चालू रखा है। और मैं करीब 20 मिनट के बाद जब मैं वापस गेम में आया तो मैंने देखा कि लिखा हुआ आ रहा था कि एक क्रीपर से आप मर चुके हो। रिस्पॉन्स तो मैं यही हो गया था, बट चीजें सारे के सारे जो चीजें थे मेरे वो सारे के सारे डिस्पॉन हो गया था। और भाई कसम से यार इस बार ना बहुत नुकसान हो गया। कोई नहीं, अब वो सारे के सारे चीजें अब फिर से बनाना होगा यार। ओके तो ढांचा जो है वो लगभग तैयार हो चुका है, अब बस इसे ऐसे करके कनेक्ट करना होगा। मुझे लग रहा है कि वुड काटने तो जाना पड़ सकता है, और ये लास्ट वाला, और चलो अब वुड काटना होगा। पर पास में ही है इसलिए मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ एक मतलब अपने साथ एक वेड को भी लेके जाना चाहिए, तो मैं यही से वुड ले लूंगा। कौन सा वाला लूं? ओके तो ये वाला लेते हैं। चलो तुम सारे आ जाओ मेरे साथ, बट यार भूख के मारे भाई चला भी नहीं जा रहा ठीक से। तो भाई लोग कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गया। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई अब ये मत कहना कि विलेजर्स मर रहे हैं। सच में ये लोग मर रहे हैं क्या? कोई नहीं, अभी टाइम नहीं है भाई, इनको ब्रीडिंग करा के मैं फिर से वापस से इनका इनके जो जनता है वो बढ़ा लूंगा, बट पहले ना अपने लिए थोड़ा सा खाना ले लूं। चलो अब पेट पूजा शुरू। ओके तुम कहाँ गए भाई? ये लो तुम खाना खाओ और अपने वंश को जो है वो आगे बढ़ाओ, ठीक है? चलो अब चल के अपना काम कर लेते हैं। ओके तो अब सबसे पहले इसे फिनिश करना होगा। चलो इस बार ना मैं सोच रहा हूँ चलो थोड़ा सा टाइम लैप्स चला देते हैं। ओके तो गाइस घर का ढांचा बनके तैयार है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो एनिमल्स बस आराम से रह सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, बस यही तो मैं चाहता हूँ। और अभी ऊपर का काम के लिए हमें चाहिए होगा स्कैफोल्डिंग, जो हमारे पास अभी नहीं है, तो उसके लिए चाहिए होगा बैम्बू और स्ट्रिंग्स। चलो थोड़ा बहुत बन जाएगा, और अभी चलो ऊपर चलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ और सात, हाँ अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ स्टेयर्स और स्लैब्स लगाना होगा। ये काम ना सीरियसली भाई बहुत परेशानी वाला है, और ऊपर से ये गलती ना हो तो और भी अच्छा रहेगा। चलो अभी फटाफट कूद काद के जो भी हो इसको फटाफट कर लेते हैं। और अभी यहाँ ये लगेगा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी यही सेम चीज उस साइड भी करना होगा। ओके तो यार इस छत को भी फिल करना जरूरी है, चाहे जितना भी मेहनत लगे, वरना ऊपर से भाई पानी टपकेगा। भाई यहाँ एक क्रीपर है, और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे फूट के मेरा नुकसान करे, बट वो गया किधर? इधर ही तो था, कहीं वो घर के अंदर तो नहीं भाई? अरे भाई तुम यहाँ पे काहे आ गए भाई? यहाँ पे तुम्हारा घर। ओ भाई यहाँ पे आ गए तुम? अरे ओ भाई ए यार नहीं 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 ना 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 यहाँ पे मत पुड़ना, यहाँ पे मत पुड़ना, प्लीज यहाँ पे मत पुड़ना। अरे यार क्या बताइए यार, बस ये बाहर आ जाए, फिर से बताता हूँ। ये ले, अभी ये ले। अब एरोज भी खत्म हो गया क्या यार? अब लगता है मुझे अपना शाही तलवार निकालना ही होगा। बेटे हरिलाल तुम खाओ गेहूं दाल। ओके तो गाइस ऊपर का छत जो है वन के कंप्लीट हो चुका है, और अब चलो चल के दूर से देखते हैं ये कैसा लगता है। आहा एकदम चकाचक लग रहा है। वैसे ये अंदर से भी अच्छा और बड़ा सा जगह बन जाएगा। अब बारी है इस जगह को अब बारी है इस जगह के छत को कंप्लीट करने की। वैसे मैंने शायद एक गलती की होगी, जिसकी वजह से मतलब लगता है मैंने वहां पे स्लैब की जगह पे ब्लॉक रख दिया होगा।
तो चलो जल्दी से ठीक कर लेते भाई। और अभी इनको भी तोड़ना है क्योंकि इस साइड के स्टेयर्स जो है वो इधर आएगा। और अभी चलो जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। एंड देयर वी गो, तो गाइस हमारा घर का ढांचा, आई मीन ढांचा नहीं घर बन चुका है। बट यार मैंने वहां पे स्टेयर्स लगाना भूल गया यार। तो यहाँ स्टेयर, आई थिंक यहाँ भी स्टेयर्स लगेगा। हाँ यहाँ पे स्लैब नहीं स्टेयर्स लगेगा। और यहाँ भी, अरे यार ये दिक्कत कहाँ के लिए होता है भाई। और यहाँ भी स्लैब, ओके तो अब ये ठीक है। और अब यहाँ एक विंडो भी बनाना होगा। नाइस। और गाइस यहाँ भी मैं सेम डिजाइन रखूंगा, ज्यादा कुछ मॉडिफाई वगैरह वो सब नहीं करने वाला। अरे यार सोने दो, सोने तो दो यार। गाइस वक्त आ चुका है बेड लेके यहाँ से भागने की। अरे यार पहले बेड तो ले लूं, अब चलो भागो यार। अरे यार तुम लोग मुझे सोने नहीं देते यार, क्यों 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 यार सोने नहीं देते। अरे तू आएगा पीछे, तू आएगा, तू आएगा। चलो भाई आज की रात तो यहीं पे गुजारना पड़ेगा। ओके तो अभी ये लगा के देखते हैं, आई थिंक अच्छा लगेगा। और अब फेंस, ओके तो अभी इसको टेम्पररी लगा के देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे बाद में चल के चेंज कर दूंगा। ओके तो अभी थोड़ा काम हो गया। और अभी अभी ना हमें बाहर के काम को भी करना होगा। ओके तो एक क्राफ्टिंग टेबल मैं अपने साथ रख लेता हूँ, वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो यहाँ पे दो दो रहने का कोई तो मतलब बनता नहीं है। ओके तो अब यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ फेंस, और यहाँ पे मैं दो अलग अलग पशुओं को रखने वाला हूँ, एक तो है गाय और दूसरा है सुअर। भेड़ को यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो दो वुल्फार्म मौजूद है। और अब ऐसा करके ये इसको क्या कहते हैं भूल गया, पता नहीं छोड़ो इसको जो भी कहते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं। और अब थोड़ा लैंटर्न भी लगा देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा उजाला हो जाए। और अब आ रही है यहाँ पे हमारे रहने की जगह को बनाने की। ओके तो गाइस लगता है दरवाजे पे बहुत सारे वर्कर आए काम करने के लिए, बट यहाँ पे जो भी करते हैं हम लोग अकेले में करता है। तो भैया तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो आने के लिए बहुत शुक्रिया, बट यहाँ पे दोबारा मत आइएगा। ओके तो भाई घर तो हमारा बन चुका है, और अब बारी है थोड़ा सा डेकोरेशन करने की। जैसे कि बैरल लगा दिया, बट यार एक सेकंड मैंने क्या एक ही बैरल बनाया क्या। ओके तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उजाला कर लेते हैं। आई डोंट नो वैसे मैं यहाँ पे क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, बस अभी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, और जो सबसे अच्छा दिखेगा मैं बस उसी डिजाइन को रखने वाला हूँ यहाँ पे। भाई ऊपर का काम अभी तक चल रहा है ठीक है, और अभी मुझे चाहिए थोड़ा सा हे बेल्स, तो कोई नहीं यही से उठा लेते हैं क्या जाता है। और भाई तुम लोग टेंशन ना लो, बहुत जल्दी तुम्हें नया घर मिलेगा। A few moments later. Okay, तो गाइस फाइनली एक घंटा या दो घंटा, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम, मैंने इस पे काम कराया, पर जो भी हो ये बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके तो 1, 2 and 3, तो ये है हमारा शानदार एंड दमदार एनिमल पेंट। भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताना। और गाइस यहाँ देखो बड़े बड़े घास भी मैंने उगा दिया है, और यहाँ पे मैंने व्हीट कैरेट पोटेटो और शुगर केन को मिक्स करते हुए मैंने गार्डन एरिया को थोड़ा सा सजाने की कोशिश की है। आई डोंट नो कैसा लग रहा है। और ये एक तरफ से पीछे का एरिया कहा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्डन टाइप ही बना दिया है। और अब चलो घर के अंदर चलते हैं। तो ये हम घर में घुस गए, तो यहाँ पे मैंने बस डिजाइन के लिए स्मेल्टिंग की चीजों को रखा है ताकि देखने में ये अच्छा लगे। और यहाँ पे बैनर भी लगा दिया है, और भाई ये देखो भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे हरियाली छाई हुई हो। और ये हमारे तीन तीन घोड़े, बट इनमें से मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बाकी घोड़ों से सबसे तेज दौड़ता भी है, और छलांगे भी कसम से इतना तेज मारता है ना भाई, बहुत अच्छा छलांगे लेता है भाई, बहुत ऊंचा ऊंचा छलांगे लेता है, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट घोड़ा है। और ये लो अब तुम लोगों की बारी है, थोड़ा सा खा लो और बच्चे दो, और तुम लोग भी थोड़ा सा खा लो। ओके तो गाइस फाइनली हमने हमारे प्यारे प्यारे एनिमल्स के लिए एक प्यारा सा घर बना दिया है, और अब उन लोगों को रहने के लिए कोई दिक्कत झेलना नहीं पड़ेगा। बट इन सारे जानवरों में से ना जो सबसे ज्यादा खुश है इस घर को देखने के बाद, वो है हमारा प्यारा और फेवरेट घोड़ा। क्योंकि अगर आपने देखा है तो इस सफर के शुरू से लेकर आज तक वो मेरे साथ रहा है, बट फाइनली चल के आज मतलब फाइनली आज चल के उसका एक घर बनाया मैंने, और अब वो आराम से रह पाए। बस यही मेरी कामना है कि वो जल्दी से मतलब किसी के हाथों ना मर जाए, बस यही तो मेरी कामना है। खैर जो भी हो, बट आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बोलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और एंजॉय भी कर सकते हो। और हाँ गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना मत भूलना ताकि ऐसे वीडियोस का आप मिस ना कर दो और सबसे पहले देख सको। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, और अगर आपको
ऐसे और वीडियोस देखना है तो ऊपर एवरेन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहो तो वो भी वॉच कर सकते हो। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।